हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनकेन स्कर्ट के बारे में। लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ऐसे कैनकेन स्कर्ट भला क्यों परचेज करें, और अगर करना है तो कौन सा कैनकेन स्कर्ट परचेज करें कि हमारे ड्रेस में वो परफेक्ट फॉल आ सके जो उन्हें चाहिए। आज इन्हीं क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। इवन मैंने सभी कैनकेन स्कर्ट्स के लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बगैर ज्यादा देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। कैनकेन स्कर्ट को आप लोग इसलिए परचेज करो ताकि आपका जो कैनकेन है वो आपको बार बार आपकी डिफरेंट ड्रेसेस, गाउन्स या लहंगाज में लगवाना ना पड़े। और सेकेंडली, इससे है ना आपका स्टोरेज स्पेस भी बचेगा, क्योंकि अब आप अपनी ड्रेसेस को इजिली फोल्ड करके रख पाएंगे और आप अपनी कैनकेन स्कर्ट को हैंग करके रख पाएंगे। इससे आपका कैनकेन स्कर्ट भी लंबे टाइम तक चलेगा। सबसे पहले कैनकेन स्कर्ट की बात करते हैं, वो है अम्ब्रेला स्कर्ट। ये मोस्ट कॉमन अंडरस्कर्ट्स में से एक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आपको आपके ड्रेसेस में एक वेवी फॉल चाहिए नीचे से, तो आप लोग इस तरह के अम्ब्रेला स्कर्ट के साथ ही जाएं। यहाँ पर आप इसे अपने किसी भी ड्रेस, लहंगा, गाउन और इवन अनारकलीज में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका लहंगे का कट अम्ब्रेला कट है, सर्कुलर कट है, फुल सर्कल का कट है, या फिर कलियों में बना हुआ है, या फिर इवन प्लीटेड भी है, प्लीटेड है या गैदर्ड है, तो उन सभी स्कर्ट्स के नीचे आप लोग इस तरीके का अम्ब्रेला अंडरस्कर्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा है हूप स्कर्ट। अगर आप लोगों को आपके ड्रेसेस में एक बॉल गाउन वाला घेर चाहिए, तो आप लोग ऐसे हूप स्कर्ट्स के साथ जा सकते हैं। ये हूप स्कर्ट्स आपके रिंग्स के बने हुए होते हैं, इनमें कैनकेन नहीं होती, इसलिए जो इसका घेर है वो बिल्कुल बॉल गाउन जैसा आता है, बिल्कुल सिंड्रेला लुक में। तो अगर आपको वैसा फ्लेयर चाहिए तो ये हूप स्कर्ट्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस दो चीजों का यहाँ पर ध्यान दे। पहला, आपके ड्रेसेस में घेर अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 4.5 मीटर का, ताकि आप जब हूप स्कर्ट्स इसके नीचे पहने तो आपका ड्रेस उसके ऊपर फंसे नहीं, और आराम से आपका जो फॉल है वो इजिली आपको मिल सके जैसा आपको चाहिए। और दूसरी चीज, हो सके तो अनारकलीज और कलियों वाले लहंगे या गाउन को अवॉइड करें, क्योंकि ये लुक बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज है। वहीं जो हमारे कलियों वाले लहंगे या ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, तो उनके नीचे अगर आप लोग हूप स्कर्ट का यूज करोगे तो लुक अच्छा नहीं आएगा। उससे ज्यादा अच्छा आपका अम्ब्रेला स्कर्ट लगता है उनके नीचे। तो अगर आप लोग अम्ब्रेला अंडरस्कर्ट उन अनारकलीज या फिर कलियों वाले लहंगों के नीचे पहनते हो तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस हूप स्कर्ट को अवॉइड करो। तीसरा है मर्मेड स्टाइल कैनकेन स्कर्ट। नाम से ही आप लोग पहचान गए होंगे, यहाँ पर जो आपका कैनकेन स्कर्ट है ये आपको मर्मेड फॉल देता है, ऊपर से फिटेड और नीचे से फ्लेयर। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपको आपके ड्रेसेस के नीचे मर्मेड स्टाइल वाला फॉल चाहिए, तो ड्रेस का कट भी मर्मेड में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अम्ब्रेला स्कर्ट पहन ली या गैदर्ड या प्लीटेड वाली स्कर्ट पहन ली और उसके नीचे ऐसा पेटीकोट अंडरस्कर्ट आपने मर्मेड वाला पहन लिया तो आपका फॉल भी मर्मेड लुक में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को आपका ड्रेस का कट भी मर्मेड ही चाहिए अगर आप लोग ऐसा मर्मेड अंडरस्कर्ट अपने लिए परचेज करते हैं तो। फोर्थ है कैनकेन पेटीकोट। आप लोग इस अंडरस्कर्ट को दो तरह से पहन सकते हैं। पहला, साड़ी के नीचे। अगर आप लोगों को आपकी साड़ी में एक हल्का मर्मेड लुक चाहिए, ऊपर से फिटेड नीचे से थोड़ा घेर, तब आप लोग इस कैनकेन पेटीकोट को साड़ी के नीचे पहन सकते हैं। और दूसरा तरीका है साड़ी के नीचे ही, बस यहाँ पर आप अपनी साड़ी को अगर लहंगे की तरह ड्रेप करते हैं तब आप लोगों को ये पेटीकोट उसके नीचे काम आएगा। बस एक यही ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रिव्यू ऑनलाइन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने लिए ऐसा पेटीकोट खुद बनवाएं बजाय ऑनलाइन परचेज करने के। स्टिल मैंने एक लिंक मेंशन कर दिया है, बेस्ट पॉसिबल अगर आप लोगों को इमरजेंसी में परचेज करना पड़ता है तो आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। फिफ्थ अंडरस्कर्ट है रफल अंडरस्कर्ट। इस अंडरस्कर्ट में बस यही डिफरेंस है कि ये लेयर्स में बना होता है रफल्स के, अदरवाइज जो गार्मेंट का फॉल है वो आपका अम्ब्रेला लुक में ही आता है। तो अगर आप लोग कोई भी ड्रेस के नीचे इस रफल अंडरस्कर्ट को पहनते हो तो फॉल आपको अम्ब्रेला लुक में ही मिलेगा। इसलिए मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अम्ब्रेला अंडरस्कर्ट के साथ जाओ, क्योंकि उसे संभालने में और स्टोर करने में ज्यादा आसानी होती है एज कम्पेयर टू रफल अंडरस्कर्ट।
तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हर ट्यूसडे आती रहती हूँ। किसी टॉपिक पे स्पेशली अगर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर एंड बाय।